गली गली कूचे कूचे इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। अगर कौन चेक करेगा कितने इंस्टीट्यूट खोले गए, उनकी शिक्षा के लिए उनकी क्वालिटी क्या है, शिक्षा क्वालिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होनी चाहिए, कितनी फैसिलिटी बैठने की है, कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए, कौन टीचर है, कौन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ तो होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। 7 से 12 के बीच में माननीय बहनजी की सरकार थी, एक भी मेडिकल पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षाएँ कोई भी लीक नहीं हुई। अपराधी भाग गए थे, माफिया, शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। छत्रपति साहू जी महाराज रिसर्च सेंटर खोला लखनऊ के अंदर। निजामपुर हापुड़ में आई एस पी सी एस की कोचिंग खोली। प्रयागराज में जुडिशियल कोचिंग खोलने काम किया। बनारस में खोला। मैं दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्र छात्राओं की मृत्यु अति दुखद है, और मैं कुदरत से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को वो जो असीम पीड़ा मिली उसे सहन करने की शक्ति दे। मानवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग दोषी इसके पीछे हैं, जो सीरीज पूरी दोषी है उसके पीछे, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना देश में किसी स्टेट के अंदर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं कई और स्टेटों के अंदर भी हुई, कहीं दोबारा ना होने पाए। सारे माँ बाप अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में भेजते हैं बड़े सपने लेकर के, घर बार जमीन सब गिरवी रख देते हैं कि मेरा बेटा जाएगा पढ़ लिख करके अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो आखिर वो लोग किससे अपने दुख को जाहिर करें, सिस्टम को किससे बोलें, किसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। हो सकता है आज हम इस शॉर्ट टर्म डिस्कशन कर लिया हमने, लेकिन इसका परिणाम क्या होने वाला होगा। लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आज डिस्कशन में जो सजेशन मिले हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आज फिर 3 ढाक के 3 5 जैसा ही हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, अभी साथी मालीवाल जी ने कहा कि गली गली कूचे कूचे इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। अगर कौन चेक करेगा कितने इंस्टीट्यूट खोले गए, उनकी शिक्षा के लिए उनकी क्वालिटी क्या है, शिक्षा क्वालिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होनी चाहिए, वो क्या है उनके पास, कितनी फैसिलिटी बैठने की है, कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए, कौन टीचर है, कौन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ तो होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है और स्टेट की भी जिम्मेदारी है। हम किसी को ब्लेम नहीं करें, लेकिन हमें इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो गरीब तबके के लोग पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में आते हैं उनके लिए हम क्या करें। हमें इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, मानवर बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने माल प्रैक्टिस के बारे में कहा उत्तर प्रदेश में 2010 में सरकार दोषी ठहराए। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, 7 से 12 के बीच में माननीय बहन जी की सरकार थी, एक भी मेडिकल पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षाएं कोई भी लीक नहीं हुई, हाई स्कूल इंटर परीक्षाएं टाइम पे हुई, क्लीन हुई, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती हुई, कहीं पर्चा लीक नहीं हुआ। 7 से 12 का रिकॉर्ड है, कोई पर्चा माननीय बहन जी की सरकार में लीक नहीं हुआ। अपराधी भाग गए थे, माफिया, शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। ऐसी सरकार चाहिए थी। माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। छत्रपति साहू जी महाराज रिसर्च सेंटर खोला लखनऊ के अंदर। निजामपुर हापुड़ में आई एस पी सी एस की कोचिंग खोली। प्रयागराज में जुडिशियल कोचिंग खोलने काम किया। बनारस में खोला, अलीगढ़ में खोला। इस तरह से 5 से 7 कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, और जहाँ पर आज भी बच्चे पढ़ लिख करके आई एस और पी सी एस बनकर निकलते हैं। मैं केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार को भी दिल्ली से कोचिंग इंस्टीट्यूट को हटा करके अन्यंत्र कहीं पर स्थापित करें और इसकी क्वालिटी पर ध्यान दें। धन्यवाद। ब्रीफली माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।